बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साहेबान, अते प्यारे विद्यार्थियों, सारयां प्यार भरी सत श्रीकाल। हाँ बेटा, अज अपना लिखाई का जिहड़ा हैगा तीसरा दिन हैगा है, ते दो अक्षर जिहड़े अक्षर पप्पा ते अक्षर खखा आपां सीख चुके हैं, ते मैं आस करदा हां वी तुसीं उन्हां दा जिहड़ा अभ्यास प्रॉपर कर लिया होगा। तुसीं बेटा खरगोश ते कछू कम्मे की कहानी सुनी होगी, जिहदे विच कछू कम्मा जित जांदा है। तुहानू पता क्यों कछू कम्मा जित जांदा है? इहदा एक सीक्रेट हैगा है, जिहड़ा भी जीव जिहड़ा भी इंसान लगातार काम करदा है वह हमेशा ही जित जांदा है। लगातारता दे विच ही सीक्रेट हैगा, रहस्य हैगा है। सो बेटा अज पहले सैट का जिहड़ा तीजा अक्षर आपां सीखण जा रहे हैं। दो अक्षर जिहड़े पहले सैट दे आपां सीख ले सी, अक्षर पप्पा ते अक्षर खखा। हुण बेटा आपां पहले सैट का तीसरा अक्षर है जिहड़ा अक्षर धद्दा सीखण जा रहे हैं। वो ध्यान दे नाल बेटा तुसीं देखना बोर्ड दे वल। सब तो पहला बेटा अक्षर धद्दा पाउण लई असीं लेटवें दा रेखा जिहड़ी उपरली लाइन तो शुरू करांगे। जिन्नी अक्षर दी चौड़ाई रखनी है असीं अंदाजे नाल ये रेखा लै लांगे। उहदे तो बाद दे विच बेटा असीं की करना है, इसे तरह थोड़ी जी रेखा छड के इस बिंदू तो थोड़ा जिहा राइट साइड तो अंदर हो के ओही पप्पे वाला स्टैप ही हल्की जिही अंदर नू करव दिंदे होए अद तो ममूली जिहा थले आ जावांगे। फिर ध्यान ना देखो बेटा, इस बिंदू तो शुरू करते हुए हल्की जिही अंदर नू करव दिंदे होए असी अद तो ममूली जिहा थले। फिर नोट करो बेटा, आहा पॉइंट है जिहड़ा इस पॉइंट नालों ममूली जिहा खब्बे हथ बाहरले हथ होना चाहिए। ये एक बिंदु दो बिंदु की वेरिएशन रह सकती, थोड़ा जहा वध भी सकता घट भी सकता है। और जिहड़ा उपरों थले नूं आना आ भी पॉइंट इस बिंदु ते उपर थले जां थोड़ी बहुती वेरिएशन रह सकती, कोई फर्क नहीं पैंदा। पर ये पॉइंट ज़्यादा डीप नहीं करना, क्योंकि जे असी ज़्यादा थले ले आवांगे तो फिर इहदी जिहड़ी हेठले पासे गुलाई प्रोपर नहीं बनदी ते अक्षर दा सुहप्पण है जिहड़ा उह नहीं आउंदा। इस बिंदु ते बेटा ठहराओ करके असी इथों हल्की जही हेठले पासे नू गोलाई देंदे हुए इस बिंदु ते आ जांगे। और उपरले पासे तों इथों पेंसिल चुक के असी आहा रेखा सीधी हेठले पासे नू ले आवांगे। सो उपर आपां रेखा पहला ही बना ली सी, तां ये बन गया बेटा अक्षर धद्दा। तां तुहानू दस्या होया वी जिथों इथों थोड़ी जी रेखा वधवी हुंदी है हमेशा ही हर अक्षर दे नाल वी शब्द दे नाल वी। सो फिर बेटा ध्यान दिओ वी अक्षर धद्दा जिहड़ा हैगा वह आपां किस तरह बनाउणा है। असी की कीता, सब तो पहला उपरली रेखा जिहड़ी हैगी आ इस बिंदू इथों चले उपरली रेखा सीधी लगा ली। उहदे तो बाद दे विच बेटा असी थोड़ा जिहा राइट साइड अंदरले पासे हो के उस रेखा तों ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੁੰਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਆਏ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰ ਧੱਦਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰੋ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਐਰੋ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। तो तुसी सारयां ने वह वर्कशीट देखते हुए पेंसिल दे नाल जे अभ्यास करोगे तो बेटा अभ्यास सौखे ढंग नाल हो जाता, क्योंकि पेंसिल नाल जिहड़ी साडी पकड़ वध बन जाती है कागज के उत्ते। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा सारयां दा।